Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mitty. Happy birthday to you. Mano, cake pe na? May you have many more. May you have many more. Happy birthday to you. Chachi ki dikha rahi ho na? मिट्टी को दिखाओ भाई, मिट्टी को दिखाओ। मिट्टी देखो। म्यूजिक भी बोलती है। म्यूजिक भी बोलता है। आपकी भी स्कूल की ऐसी थी ना? दिखाओ मिट्टी मुझे, इसमें वीडियो दिखाओ जरा कैमरा। मिट्टी, मिट्टी डाली है? ओ जेकी चले जाओ, जैसे जेकी नो मिठी फिया डर गई है। रो क्यों रही है? इसकी बर्थडे है, आपी की भी बर्थडे है, स्वीटहार्ट की भी बर्थडे है। मानो आप ऐसे बनाओ, इधर से ज्यादा सही बनेगा। चलो जी, हमने मिट्टी की बर्थडे कर ली, अब इसकी दादा जोन सी है ना केक कटिंग करती हैं। नहीं माँ, फिर आप ही करेगी। दादा आप ही हैप्पी बर्थडे बोलना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैंने देखो, हैप्पी बर्थडे अलीजे। अलीजे के स्पेलिंग गलत है? नहीं, मैंने खुद ही लिखवाए थे ये वाला। ALIVAY। अच्छा, मैंने खुद ऐसे लिखवा दिया, ज्यादा बड़े वाले। चलो अपनी मम नाल भी कटिंग कर लें अलीजे के बर्थडे की केक की। चलो जी, चलो अच्छा 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 हो रही है ना। चलो चलो, हैप्पी बर्थडे। मानो अभी पकड़ो एक हैंड से, हैप्पी ओ अलीजे का नाम नहीं काटना ऐसे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी हैरियत से होंगे। ये जी उसी दिन की वीडियो थी जब मनाल के बर्थडे से हम लोग वापसी पे आए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मनाल की और अलीजे दोनों भतीजियों की ना एक डेट पे है, तो फिर घर आके हमने अलीजे का केक काटा था और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। अभी आज मैं बाहर आई हूँ, आज मुझे मिक्स वेजिटेबल्स बनानी थी और मेरी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर फ्रेंड ने पूछा था मुझसे, इरम ने, कि मिट्टी की हांडी के बारे में। तो जी मैं तो काफ़ी अर्से तो यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन ये वाली जो सी है ना, मेरे 2.5 साल हो गए यूज़ करते हुए इसको। ये वॉश करने के बाद धूप में रखें, अगर इसको आप ऐसे ही अंदर रख देते हैं ना तो इसमें फंगस लग जाता है। मैंने तो कभी इसके ऊपर वो कोई मट्टी शट्टी नहीं लगाई, जिसको हम पंजाबी में लेप कहते हैं, लेकिन ऐसा वैसे मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। ये डिपेंड करता है एरिया का। तो ये तो बहुत 2.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लैक ये इसलिए हुई है कि मैं बताया आपको ना, मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, तो सिलेंडर में बर्तन हो जाते हैं ऐसे। तो इसको मैं धूप 2-3 दिन अच्छी तरह लगा के, ये हो टूटी हो जो भी हो ना, तो उसको धूप लग जाती है ना, फिर उसमें फंगस नहीं आता। और ये मेरे लेमन देखें, 1 दर्जन तो हो गए, मैंने काउंट किए थे 2। कोई इतनी खास बात नहीं होगी किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत है। आपके घर में जब कोई प्लांट लगता है, उसमें जब फ्लावर्स लगते हैं, उसमें जब फ्रूट्स लगता है, तो बहुत खुशी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जी ये फ्लावर्स, मुझे इसका नाम तो नहीं आता, लेकिन ये डे टाइम में इसके फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं। सुबह जब मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सुबह जब मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह भी और मॉर्निंग भी, तो तब ये ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, और रात को तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और ये बेल आई थिंक वाइट फूलों की है, अभी थोड़ा लगा है अरसा इसको, अभी फ्लावर्स वगैरह नहीं आए, तो हमें ये है कि सारा विंडो कवर हो जाएगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, 12 लीमू हैं इसमें लगे, हो सकता है मैं भी पीछे हों, लेकिन जो मुझे नज़र आए थे ना, तो 1 दर्जन तो लीमू जी मेरे घर में लग गए। और ये तकरीबन मैं हमें 12-12:30 का टाइम होगा, तो आज मुझे मिक्स वेजिटेबल्स बनानी थी, तो मैं निकाल के रखा ही हुई हूँ। तो फ़िलहाल तो जो उनसे ना अभी कुछ से दिल कर रहा था दोपहर को ना, कोई हल्का फुल्का कुछ लेने को,
तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बाहर रहना धूप में। और ये बेल भी जो मेरी आहिस्ता आहिस्ता अब जो सी ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये गर्मी में और स्पेशली बरसात में ग्रो करती है। मुझे नेचर, फ्लावर्स, बर्ड्स और ये सनलाइट, जैसे सूरज और चांद का नज़र आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जिसको अंदर लेके जाते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी मॉम लंडन लाइफ, आई थिंक मैं गलत नाम ना ले रही हूँ, तो वो बहुत मज़ा आता मुझे उनकी व्लॉग्स का स्टार्ट बहुत खूबसूरत है। उनके घर बहुत खूबसूरत जगह पे है, डक्स होती हैं, पानी, फ्लावर्स, नेचर और येलो लीव्स, ये तो बहुत वीकनेस है मेरी, और बड़ा मज़ा आता है उनके व्लॉग्स देखने का। तो जब आप नेचर के करीब रहते हो ना, तो आप नेचुरली आपको इन चीज़ों से जो उनसे ना प्यार भी हो जाता है। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं फ्लावर्स, बर्ड्स की आवाज़। आजकल इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स ना सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो उनसे ना आ रहे हैं ना, डिफरेंट तरह के। इधर बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है ना, तो उस वजह से काफ़ी बर्ड्स आते हैं, और स्पैरोज़ भी बहुत मुख्तलिफ तरह की, बहुत कलरफुल स्पैरोज़, बटरफ्लाइज बहुत तरह की इधर नज़र आती हैं। तो ये हमें वीडियो दोबारा से वही आ गई है। तो बस अच्छा लगता है घर में कोई भी नया फ्लावर प्लांट्स जो भी हो ना, अच्छा लगता है। तो ये भी शौक की बात होती है। अच्छा, ये मोतिया ना काफ़ी फैल गया था, तो फ्लावर्स में प्लांट्स की कटिंग भी करते रहे ना, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ये फिर मेरे हस्बैंड ने सारे इसकी कटिंग करवा दी थी, बाहर भी जो उनसे थे तो वो काफ़ी ग्रो कर गए थे ना, तो उनकी सबकी कटिंग करवा दी थी उन्होंने। और मैं जी हरी मिर्चें देख देख के जितनी मुझे खुशी होती है ना, फिर वही बात आती है ना, जब घर में ऐसी कोई चीज़ लगती है ना, तो पिछले साल मेरा कुछ नहीं था इतना मैंने किया, उससे पिछले साल लहसुन भी लगा था मैंने, मेथी भी लगाई थी, मेथी इतनी मज़े की थी वो घर की, बहुत मज़े की थी और कड़वाहट भी नहीं थी उसमें। तो ये पुदीना भी काफ़ी हुआ हुआ है, पुदीना आई थिंक जोन सा ना वो गर्मी में ज़्यादा होता है। अब धनिया लगाऊँगी, धनिया दो दफ़ा लगाया, तब सीज़न नहीं था तो इसलिए वो चल नहीं सका। तो चले जी, ये किचन टावल भी ड्राई हो गए हैं, इनको अब लेके घर चलते हैं, घर में ही हूँ मैं वैसे, मैं अंदर चलते हैं। और पकोड़े थोड़े से मैं बनाऊँगी दोपहर के टाइम, पहले तो था पकोड़े ऐसे ही खाएंगे, लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं अब दिल करा रोटी भी बना लो। तो साथ मैंने बनाई है अपने लिए शिमला मिर्च, ये मुझे बहुत मज़े की लगती है, मुझे अम्मी ने ही बना कर दी थी फर्स्ट टाइम ना। इसकी क्या करना है, इसमें सिर्फ आपने क्रश जो सा होता ना अनारदाना, उसकी फिलिंग करनी है, और बेसन जो आपका रेगुलर जो आपने बना कर रखा हुआ ना उसकी कोटिंग करनी है। बैंगन की भी ऐसे करते हैं कि अनारदाना की फिलिंग कर, और अनारदाना की फिलिंग करें आप, और उसको बस बेसन में कोट करें, फ्राई करें, इतना मज़ा आता है ना इसका। लेकिन मुझे बैंगन के पकोड़े बिल्कुल नहीं अच्छे, बैंगन वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पकोड़े मैंने वैसे कभी खाए भी नहीं थे। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था, मुझे वो टेस्ट नहीं था आया, तो मैंने है बैंगन तो नहीं कभी ऐसे फ्राई किया कोट करके, लेकिन शिमला मिर्च अगर पड़ी हो ना मेरे पास तो मैं ज़रूर करती हूँ। साथ ही मैंने बनाई है मूली की चटनी, बहुत मज़े की लगती है ये भी। आप मुझे तो वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं वैसे भी खा लेती हूँ किसी भी सालन के साथ, मिक्स वेजिटेबल्स के साथ भी इसका बहुत मज़ा आता है। तो दही पड़ा हुआ था इसी बाउल में मैंने मिक्स किया, तो इसलिए दही साइड से जो ना आपको बाउल थोड़ा लग रहा होगा, जैसे गंदा तो नहीं है लेकिन दही वाला ही था ना। तो मूली मैंने ली है, उसमें साथ मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, नमक ऐड किया है, आप कूटी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर ले, और साथ धनिया, और इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल अच्छा जी, मैंने जब मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी ना, साथ साथ मैं अपने डिनर की भी तैयारी कर रही थी कि साथ ही रेडी हो जाए। मैं एक लिया था, दो प्याज थे मीडियम साइज़ के, और साथ मैंने डाला था इसमें अदरक और लहसुन भी डालते, लहसुन एक्चुअली फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाल दिया था, और वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ गोभी का फूल, ये मैं सेपरेट जब मैंने गोभी काटी थी तो मैंने रख दिए थे, और मटर मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, अभी फ्रेश भी वैसे आ गए हैं मार्केट पे, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न थे वो मैंने लिए हैं, मोंगरे मैंने लिए हैं, और ये जो मैंने दो टमाटर भी ऐड कर दिए, टमाटर बहुत एक्सपेंसिव हुए हैं, आलू भी बहुत एक्सपेंसिव हुए हैं, 120 रुपए के जी आलू हुए हैं, और मोंगरे थे वो मैंने ऐड किए हैं, मैंने गाजर इसमें ऐड की है,
और इन सब वेजिटेबल्स को मैंने, अच्छा मेरे पास ना एक शिमला मिर्च थी तो मैंने वो भी ऐड की है, बहुत अच्छी लगती है शिमला मिर्च। अच्छा ये जब टमाटर और प्याज इनको मैं इकट्ठा भून लूँगी, फिर मैं इसमें ना नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया ज़ीरा ऐड करूँगी और साथ चाय का भी टाइम हो गया है क्योंकि खाना हम खा चुके हैं। मैं मसाले वगैरह मैंने डाल दिए और इसमें अब मैं जब वेजिटेबल्स डालूँगी ना तो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आपने, एक कतरा भी पानी का, क्योंकि पता आपको वेजिटेबल्स अपना भी पानी होता है और मिट्टी की हांडी में स्टीम हो जाती है। और थोड़ी सी मैं इसमें ना कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी और फिर उसके बाद जो सा ना मैं कसूरी मेथी नहीं, मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाला, फ्रेश भी आप डाल सकते हैं, मैंने वो फ्रीज़ हुआ हुआ था तो उसमें टाइम लगना था तो मुझे था कि मैं इसको स्टीम पे दम पे रख के तो बस फटाफट से मेरा खाना बन जाए। और मिट्टी की हांडी में एक चीज़ की केयर करते हैं कि इसमें खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो काफ़ी देर तक बबल्स भी आते हैं। मैं एक आधा अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता भी चुकी हुई हूँ, तो बस अब मैं वेजिटेबल्स डाल दूँगी और अब हम चाय पियेंगे और वेजिटेबल्स डाल के कवर करके उसको मैं रख दूँगी। और जब आप साइड पे, अच्छा मैं जब पास कर ही रही हूँ तो एक सेकंड भी ऐसे नहीं हुआ मैं सिंक के पास गई हूँ तो साथ ही ये चूल्हा गंदा हो जाना, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, अभी मैंने साफ़ भी कर दिया था। तो चलें अभी मैं इसको, वैसे अभी चाय को अच्छी तरह मैं करूँगी ताकि कलर भी आ जाए। अभी मैं फिर इसको जब मैं स्टेन कर डालती हूँ ना मग्स में, फिर मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। अभी मेरे बिल्कुल दिल नहीं था करा करने को, मैं इस पर पत्ती लगी हुई है ना इसको भी मैं सारा अंदर डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह इसका ना सारा फ्लेवर आ जाए चाय में। और मैं वेजिटेबल्स डाल के तो इसको दम पे रख दूँगी, जब वेजिटेबल्स पक जाएंगी ना तो बटर ऑप्शनल है, आपके पास है बटर तो मैं 1-1.5 टेबल स्पून बटर का ऐड करूँगी, और अगर नहीं हो तो थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर लेना। तो देसी घी ऐड करें या बटर ऐड करें तो फ्लेवर एक बहुत अच्छा आ जाता है। और ये जी ढेर सारे पांडे हो गए हैं इकट्ठे, और आज मैं सब कुछ जोन सा ना मिट्टी की हांडी में ही करूँगी, तो मैं फिर मिट्टी की हांडी में सर्व भी करूँगी। सॉरी ये जो प्लेट होती है इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, आई थिंक कनाली कहते हैं शायद, इसी में सर्व करूँगी। आटा भी मैं इसी में गूंद के रखती हूँ, तो आज मेरा ना मैं थोड़ा सा देसी सब कुछ मैं देसी टच दूँगी अपनी हर चीज़ को, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ट्रेंड शुरू हो गया है, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की कढ़ाई भी है, वो भी बड़ी अच्छी है, वो भी मैं लेकर आऊँगी। ये दो ली हुई है मैंने, मैं बता रहा हूँ आपको 2.5 साल से माशाल्लाह मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छी खासी यूज़ कर रही हूँ, क्रैक्स तो आ गए हैं वैसे भी नीचे इसके, तो बहुत अब तो वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई हुई है, बहुत सी चीज़ें और बहुत अच्छी लगती हैं। खीर वगैरह आप बना के रखें वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलें जी इसको दम पे रखे, मैंने मिक्स कर दिए सारे, इसको अब दम पे रखूँगी, हाँ आँच बस मैं इतनी रखूँगी। और अब हम चाय पीते हैं, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है चाय देख के, मौसम भी आज क्योंकि ऐसा है, तो काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रही हूँ और वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला, बहुत बहुत बिजी कुछ मसरूफियात थी इस वजह से। और ये जी साथ जो रात को मिट्टी का बर्थडे का केक था वो मैं साथ लेके जा रही हूँ, तो चाय के साथ थोड़ा बहुत मीठा हस्बैंड को ज़रूर होता है, बिस्किट्स वो ज़रूर लेते हैं या मीठी को जीस हो तो वो ले लेते हैं। और जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी जो थी वो
मट्टी की कनाली में आटा गूंथती थी, तो मेरे लिए भी स्पेशल वो छोटी लेकर आई क्योंकि मैं बहुत ज़िद करती थी। नेचुरली मैं हमें बच्चियों को सबको शौक़ होता है बचपन में इन चीज़ों का, मेकअप का बहुत शौक़ था मुझे, तो अब सेम ऐसा शौक़ मनाल और नीमा में भी मैं देखती हूँ, बहुत क्रेज़ी है वो। और अलीज़े है वो भी बताती है उसकी मामा के वो मेकअप को उसको होता है बस मैं लेके बैठ जाऊँ, तो ये बच्चियों में नेचुरली जो उनसे ना शौक आता है ये। और बात है जब हमारी एज आती है तब सुस्ती आ जाती है। अब मनाल को बहुत शौक है बेकिंग का, तो उसको होता है मैं बेकिंग करूँ और ये नहीं आम से केक्स वो, बल्कि जो बच्चे यूट्यूब पर आजकल देखते हैं ना फिर उसी को फॉलो करते हैं। तो आज मैंने सोचा हर चीज़ ही मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया और मिट्टी के ही बर्तन में आज मैं जोन से है ना आटा भी गूंद के रखूँगी और मिक्स वेजिटेबल जोन सी मैं सर्व भी जोन सी है ना मिट्टी के ही बर्तन में करूँगी। दो हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी आपके फ्लेवर पे, इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल्स बना के देखें बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। और ये अब डिनर बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके जा रही हूँ और बहुत मज़े की बनी थी। इसको आप थोड़ा सा अगर चाहें तो इसमें ग्रेवी करके भी रख सकते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं, तो बहुत मज़े की लगी थी, बहुत मज़े की बनी है। मेरी अम्मी की रेसिपी है, उनकी ही रेसिपीज़ मैं फॉलो करती हूँ। इसमें आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप मेथी, आजकल फ्रेश मेथी भी आई हुई है वो भी ऐड करें, बहुत मज़ा आता है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास वेजिटेबल्स हैं खाने चाहिए, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो जी यहीं तक थी मेरी वीडियो, तो अब हम डिनर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।